modeling from cellular to organ and system modeling. इस मॉड्यूल में हमने ये समझना है कि जब मॉडलिंग अप्रोच यूज़ की जाती है या जिन लोगों ने मॉडलिंग के ऊपर काम किया हुआ है अभी तक, जो प्रोग्रेस हो चुकी हुई है सेलुलर लेवल से लेकर ऑर्गन लेवल तक और उससे आगे ऑर्गेनिज्म लेवल तक जो मॉडलिंग है, हमने उसको ज़रा हाईलाइट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि कौन से मॉडल्स अवेलेबल है और कैसे मॉडलिंग की जाएगी, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, कम्प्लेक्सिटी कैसे हैंडल होगी. Models can be formulated at any level of the system. If we are going to study the system at the cellular level, to us cellular level ki modeling zaruri hogi. Agar hum organ level ke upar focused hai, to organ level ke upar modeling karni padegi. Phir cellular levels ke upar ya bottom ke upar jaane ki zarurat nahi hogi. Complex level ki modeling karni hogi. ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमारा फोकस होगा अंडर इन्वेस्टिगेशन. जो सिस्टम है अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो फिर ऑर्गेनिज्म लेवल की मॉडलिंग पे फोकस करना पड़ेगा और जो फीचर्स है, जो पैरामीटर्स है, जो वेरिएबल्स है, वो ऑर्गेनिज्म लेवल के लेने पड़ेंगे, ना कि उसके लोअर लेवल के. लेकिन यहाँ पे हमने एक बात का ख्याल रखना ये होगा कि अगर हम ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म लेवल की मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये बात हमने सबसे पहले माइंड में रखनी होगी कि जैसे जैसे हम कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर मॉडलिंग कर रहे हैं तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल विल इंक्रीज रैपिडली. अब कम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कम्प्लेक्सिटी को हैंडल भी करना पड़ेगा. कम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल किया जा सकता है, फिर हमने उन सिनेरियो में भी सोचना होगा हाउ टू हैंडल कम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू मेंटेन सिंप्लिसिटी इन द मॉडल एंड एब्स्ट्रैक्शन प्रोसीजर्स. नाउ कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना जो है, दिस इज़ वन ऑफ द ग्रैंड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग. दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क. इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू हैंडल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम. अब अगर कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना है तो एक अप्रोच ये यूज़ किया जा सकता है कि जिन कंपोनेंट्स को मॉडल किया जा रहा है, जिन कंपोनेंट्स को सिस्टम में इंक्लूड करना है या जिन सिस्टम्स को या जिन कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करना, उनकी सिलेक्शन केयरफुली, वाइजली और लॉजिकली की जाए ताकि सिस्टम के रियलिटी के ऊपर कोई अफेक्ट ना पड़े. सो कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन किया जाए, फीचर सिलेक्शन का हर एंगल से ख्याल रखा जाए और सिस्टम जो है उसको सिंपल रखा जाए, बट ऐसा ना हो कि सिस्टम जो है वो ऐसा अफेक्ट हो जाए कि नेगेटिवली मीन्स के वो अफेक्ट हो जाए. सो फीचर सिलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाए लॉजिकली. तो जितने वाइजली फीचर सेलेक्ट होंगे, जितने वाइजली इंक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा, जितने वाइजली एक्सक्लूजन या एलिमिनेशन क्राइटेरिया डिफाइन होगा, तो सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको काफ़ी हद तक हैंडल किया जा सकता है. सो दिस इज़ वन अप्रोच टू बी यूज. जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है या जो मॉडलर है, वो अपने हिसाब से या अपने लॉजिक के हिसाब से कोई और भी अप्रोच यूज़ कर सकता है टू हैंडल कम्प्लेक्सिटी. जो हमने डिस्कस किया, दैट वाज वन अमंग द मेनी अप्रोचेस टू हैंडल कम्प्लेक्सिटी. और इसके ऊपर इसलिए मैं ज़्यादा पर्सनली स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मॉडल जो है हमेशा वो रियलिटी का एब्स्ट्रैक्शन होता है. तो उस मॉडल में से अगर कोई ऐसा कंपोनेंट, कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए जो कि उस मॉडल को या उसके बिहेवियर के लिए, उसके बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो जारी बात है फिर वो बिहेवियर जो होगा वो कैटर नहीं होगा और जो रिजल्ट्स हम देखना चाह रहे हैं या जो रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, फिर हमारी रिजल्ट उस तरह की प्रोड्यूस नहीं होंगे. सो दैट्स वाई एक तो ये कि एक्सपेरिमेंटल डेटा को केयरफुली यूटिलाइज किया जाए. जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो इस हिसाब से हो कि जो मॉडल हम बना रहे हैं उस मॉडल के साथ वो कंपैटिबल एक्सपेरिमेंटल डेटा हो. फिर जो थ्योरेटिकल अप्रोच यूज़ किया जा रहा है वो थ्योरेटिकल अप्रोच भी उस सिनेरियो में बेस्ट फिट इन हो. हो सकता है कि मल्टीपल थ्योरेटिकल अप्रोचेस फिट हो उस सिनेरियो में, तो हमने सेलेक्ट ये करना है कि कौन सा अप्रोच जो है उसमें बेस्ट फिट हो रहा है. जितना वो बेस्ट फिट होगा, जितना
एक्सपेरिमेंटल डेटा कंपैटिबल होगा, कंपैटिबल फॉर्मेट में होगा, तो उतने हमारे रिजल्ट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। अच्छा, अब मॉडलिंग के डोमेन में कुछ प्रीवियस जो वर्क्स है उसको हाईलाइट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सब सेलुलर टू सेलुलर लेवल्स, कुछ रिसर्चर्स थे लाइक हॉजकिन एंड हग्सले, दे इंट्रोड्यूस द पैरामीटर ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉडल ऑफ ऑफ द नर्व एक्साइटेशन। 1952 में उन्होंने एक मॉडल बनाया, there is a very old model, one of the old models in this field, but still this is a very good model, और अभी भी लोग उसको ऐसा reference भी use करते हैं और उसको follow करते हैं, और still this model is producing good results। अगर बहुत ज़्यादा complexity पे ना जाए तो ये level still अच्छा model है। nerve excitation के बारे में है इस model के, तकरीबन कोई 8 साल बाद एक और scientist था, Dennis Noble, and he presented the first cardiac cell model in 1960. ये भी मॉडल जो है ये भी बहुत अच्छा मॉडल है और रेफरेंस के तौर पे और फॉलो करने के लिए बेस्ट मॉडल है। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मॉडलिंग पे अभी काम स्टार्ट करना है उनके लिए मैं ज़रूर रेफर करूँगा कि वो इन मॉडल्स को ज़रूर स्टडी करें। इनिशियल स्टेजेस के लिए फॉलो करने के लिए दे आर द बेस्ट मॉडल। और ये दोनों जो वर्कर्स है इनके जो काम है दे आर बेसिकली द कॉर्नर स्टोन्स इन मॉडलिंग एट द ऑर्गन लेवल्स एंड कम्प्लेक्स लेवल्स। इन्होंने जो मॉडलिंग की अप्रोच यूज़ की हुई है बहुत ज़बरदस्त टाइप के उन्होंने मॉडल्स बनाए। आप इन पे ज़रूर ज़रूर उस पर इसको रीड आउट कीजिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, दे विल हेल्प यू टू मॉडल मोर कम्प्लेक्स सिस्टम्स। और जैसे जैसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लेडर में या बायोलॉजी के लेडर पे असेंड करते जाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, बट इस स्टेज पे जब हम पहुंचे हुए हैं तो हमारे पास अब काफ़ी सारा नॉलेज मौजूद है, जो बैक नॉलेज है उस वो स्ट्रांग होना चाहिए, और दैट बैक नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प अस टू हैंडल मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे रास्ते में आएंगी। अगर बैक नॉलेज हमारा स्ट्रांग है, चीज़ों के ऊपर हमारी जो फोकस है, जो विजन हमारा है वो जितना ओपन होगा, होराइजन जितना ब्रॉड होगा, तो बेहतर तरीके से हम मॉडलिंग कर सकते हैं। कुछ मैं बताना चाहता हूँ कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो मॉडलिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स मौजूद है उसमें एक सॉफ्टवेयर है बिग के नाम से। नाउ दिस इज़ अ फ्रीली अवेलेबल मॉडल ऑफ द कम्प्लीट कंप्यूटर मॉडल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो है ये भी one of the most attractive system to be modeled in human history, aur iske upar bhi kafi sara kaam hua hai, aur ye jo big hai this is a freely available system available, a computer model available about the human metabolism, jiske through agar aap iske upar kaam kare to it will help the researchers to uncover some new drug pathways and other some related works. और ये जो डिज़ाइन किया गया था दिस वाज डिज़ाइन इन 2010। इसी तरह से और भी सॉफ्टवेयर कुछ फ्रीली भी अवेलेबल है, कुछ ऐसी भी सॉफ्टवेयर्स है जो मैटलैब के साथ या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दे आर कंपैटिबल विद, और बल्कि अभी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हमें मॉडलिंग की बहुत सारी लिबर्टी भी दे रही है कि उसमें मॉडलिंग की जा रही है, और वर्चुअल सेल मौजूद है जिसमें हम सेलर लेवल की जो मॉडलिंग है उसकी सिमुलेशंस कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद है, और कुछ ओपन सोर्सेज जो है दे आर वेरी गुड ओपन सोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट।